नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज जो है अपने देश के समकालीन कलाकार रूपचंद जी के साथ है और उनकी पेंटिंग को आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो उनकी पेंटिंग है पर आधारित है। तो मैं चर्चा करूँगा कि आज इस पेंटिंग के विषय है खुद ही कलाकार बताए और देखें कि जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है कि आज का जो समय चल रहा है मॉडर्न युग, लोग कैसी कैसी पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और इसके साथ साथ आप देखिए जो स्ट्रोक है या इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए वो भी बहुत अच्छा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं रूपचंद जी के साथ में, या इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, आपने इस प्रदर्शनी में आर्टिस्ट शिरकत की और आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी कुछ जो पुस्तकें ऑलरेडी जो है आई है और हमने भी पढ़ी और बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा उससे प्रोत्साहन मिल रहा, अच्छा मिल रहा है। रही बात इस प्रदर्शनी की स्थिति कला की, तो आप देख सकते हैं कि अध्यात्म से ऊपर साधु की जो थीम है उस पर यह मेरे पेंटिंग्स मेरे यहाँ पर लगाई हुई हैं। और साधु जो है शुरू से ही मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है एक जो प्रभाव शुरू से जाते रहे, क्योंकि क्या है कि उनका जो चेहरे की जो बनावट है, उनकी आँखें हैं, उनका तिलक है, उनके जो हेयर बाल हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें देखना, स्टडी करना और उनके भाव एक्सप्रेशन ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे एक पेंटिंग के रूप में देना ये प्रयास किया गया। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज के जो नवयुवक हैं या जो भी कलाकार हैं कहीं ना कहीं नवीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने एक अध्यात्म का विषय चुना है, अध्यात्म का कारण लिया हुआ है, तो ऐसा कोई विशेष कारण या ऐसा लगाव है लाइफ में? ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद, मिलते हैं।